चक दे टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं समीत धालीवाल लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई अज दीआं मुख खबरां। पहला नज़र मारदे आं अज दीआं सुर्खियां वल। 12 दसंबर नूं दिल्ली जयपुर राजमार्ग आगरा दिल्ली एक्सप्रैस वे कीता जाएगा बंद। किसानां कीते वड्डे फैसले। मोदी दे लीडर केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने दिता किसानों खिलाफ विवादित बयान। हुण धरनिया पिछे दसिया पाकिस्तान अते चीन दा हथ। मोदी नूं निहंग सिंघां दी चेतावनी। कहा पंजाब नहीं दबदा, हरियाणे दा जाट भी खट्टर नूं छड्ड खड़ा नाल। किसानों दे हक च उतरे साबका सैनिक कीता रोस मार्च। किसानों दे हक च डटे संगठन ने योगराज नूं लिया अड़के। हिंदू औरतों के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां करने के मामले च पुलिस ने दी शिकायत। पोस्टर साड़ की नारेबाजी। हुण खबरां विस्थार नाल। किसान जथेबंदियां ने मोदी सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए 14 दसंबर को सूबे च जिला दफ्तर का घिराओ करन अते 12 दसंबर को दिल्ली जयपुर राजमार्ग आगरा दिल्ली एक्सप्रैसवे बंद करने का ऐलान किया है। किसानों मुताबिक जेकर तिने कानून रद्द न किए गए तो एक तो बाद एक दिल्ली दियां सड़कां बंद कीतियां जाणगियां अते किसान सिंघू बॉर्डर पार करके दिल्ली च दाखल होने का फैसला भी ले सकते हैं। देखो पूरी खबर। किसान जथेबंदियों ने मोदी सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और खेती कानूनों को रद्द करने की मांग कर रही है। किसान जथेबंदियों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की मांग स्वीकार नहीं करती उदों तक यह आंदोलन जारी रहेंगे और हर रोज इस नूं तेज करने के लिए उपराले किए जाएंगे। अमित शाह ने मंगलवार की रात किसान जथेबंदियों के 13 लीडरों नाल मुलाकात करने तो बाद कहा सी कि सरकार तीन खेती कानूनों संबंधी किसानों वालों चुके गए महत्वपूर्ण मुद्दों से एक मसौदा प्रस्ताव भेजेगी जिन्होंने किसान जथेबंदियों ने हुण रद्द कर दिता है। हालांकि किसान लीडर के नाल बैठक च कोई नतीजा नहीं निकलिया सी जो इन्हां कानूनों नूं वापस लैण ते जोर दे रहे ने। अमित शाह दे नाल मीटिंग तो बाद किसानों ने खुद मीटिंग कर रहे साफ कर दिता है कि वो कानून रद्द करवाने तो सिवाय कोई होर गल नहीं मनणगे। उन्होंने कहा कि वो इन कानूनों के विरोध च 14 दसंबर को सूबे के जिला दफ्तर का घिराओ करेंगे और 12 दसंबर को दिल्ली जयपुर राजमार्ग बंद कर दिया जाएगा। किसान लीडर शिव कुमार कक्का ने कहा कि जेकर तिने कानून रद्द ना किए गए तो एक तो बाद एक दिल्ली दियां सड़कां बंद कर दित्तियां जाणगियां। किसान सिंघू बॉर्डर पार करके दिल्ली च दाखिल होने का फैसला भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि तिना खेती कानूनों नूं लैके केंद्र सरकार नाल अगले दौर की गलबात ते अजे कोई फैसला नहीं किया गया। 12 तरीक तक उसको रोका जाएगा, जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तरीक तक उसको रोका जाएगा। 12 तरीक को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए। अडानी अवानी के जो प्रोटेक्ट है जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकॉट करेंगे पूरे देश में नेशनल लेवल पर। दस दें कि किसान लीडर दर्शन पाल ने पत्रकार सम्मेलन किया कि 12 दिसंबर को आगरा दिल्ली एक्सप्रेस वे नूं भी बंद किया जाएगा। उस दिन देश भर दे विच किसी भी टोल प्लाजा से कोई भी टैक्स नहीं दिता जाएगा। किसानी अंदोलन नूं लैके बयानबाजियां दा दौर जारी है जिथे विरोधी इस नूं केंद्र खिलाफ गल करन लई वरत रहे ने तां उत्थे ही बीजेपी समर्थक इस पिछे कदे खालिस्तान कदे पाकिस्तान जां कदे चीन दा हथ दस रहे ने। केंद्रीय मंत्री राव साहब ने विवादित बयान दिंदे होए किसान अंदोलन पिछे पाकिस्तान अते चीन दा हथ दस्या।
किसानी अंदोलन लेके बयानबाजियां दा दौर लगातार जारी है। बीजेपी दे लीडर ते अन्य भगत इस अंदोलन नु बदनाम करन लई कई तरह दी शर्मनाक बयानबाजी कर रहे ने। हुन मोदी साहब दे लीडर नु लगदा है कि इन्हां धरनियां पिछे पाकिस्तान ते चीन दा हथ है। यह विवादित ते शर्मनाक बयान दिता है केंद्रीय मंत्री राव साहब ने, जिस तो बाद सियासत च एक नवा मोड़ आ गया। इस बयानबाजी ते सियासतदाना दी जिथे प्रतिक्रियावां सामने आ रही ने, उथे एक किसान अंदोलन पिछे पाकिस्तान ते चीन दे हाथ वाले बयान ते शिवसेना लीडर संजय राउत ने राव साहब दी ताड़ना कीती है। हुण तुहानूं दसदे आं कि आखिर राव साहब ने कहा की है। मिलिया मीडिया रिपोर्टां मुताबिक उन्हां दावा कीता है कि मुसलमानां नूं नागरिकता सोध कानून ते नैशनल रजिस्टर आफ सिटीजन ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਤਲਕਾ ਦੇ ਕੋਟਲੇ ਤਲਕੀ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਲ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਬੁੱਧ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਘੋੜੇ ਬਰਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਜੱਟ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਬਸ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਿਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਬਰਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੱਟੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਾਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ। ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਜੱਟ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਢਾਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਬਸਣ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਬਸਣ, ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿਲ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੀਣ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ।
अज कोटकपुरा च साबका सैनिकों ने किसानों के समर्थन में खेती कानून नूं लै के शहर में रोस मार्च कढ़िया अते केंद्र दी मोदी सरकार के खिलाफ रोस जताया। इस रोस मार्च में जिले भर के साबका सैनिकों ते उन्हां दे परिवारक मैंबर ने भाग लिया। रोस मार्च की अगवाई साबका सर्विसमैन यूनियन के जिला प्रधान दर्शन सिंह भट्टी ने की। इस मौके सैनिकों च काफ़ी रोह देखने मिलिया। दर्शन सिंह भट्टी जिला फरीदकोट का मुख्य सेवादार हाँ साबका सैनिकों का। असी ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार नूं कि जेडे आर्डिनेंस तीन जेडे किसान के खेती प्रति लियाए है वो काले कानून जेडे है उन्होंने किसान का जोड़ा गा बिल्कुल जोड़ा है सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने जमीन गहने पै जाएगियाँ, उन्होंने अपने फसलों का वाजब मुल नहीं मिलेगा। इस करके जे किसानी बर्बाद होंगी है तो पूरा देश जोड़ा है वह बर्बाद होंगे। मजदूर ट्रांसपोर्ट सारा कुछ जोड़ा है वो जोड़ा है बेरोज़गार हो जाएगा और देश जोड़ा है वो उस प्रति जोड़ा है वो इकोनमी जी हैगी जी तरक्की हैगी रुक जाएगी। इस करके असी वो किसान अंदोलन की हमायत करद हो जिला फरीदकोट के साबका सैनिकों ने उस किसान अंदोलन के जोड़ा हित के जोड़ा है उन्होंने चलन का उन्होंने संघर्ष के शामिल होता तो उन्होंने हमायत कर जोड़ा ये अज प्रोग्राम बनाया। अज जिला फरीदकोट ने यह जोड़ा उपराला किया है। वैसे तो देश भर के जोड़े सैनिक है वो सारे के सारे जोड़े है उन्होंने हमायत की हुई है इस किसान अंदोलन की और वो बॉडर के उत्ते जिते दिल्ली घेरिया होया उ अपनी हाजिरी लवा रहे हैं। तो असी भी जोड़ा है अज इतने प्रोटेस्ट किया। सो असी प्रधानमंत्री को बेनती करते हैं कि ये जोड़े काले कानून आ जोड़े खेती प्रति उन्होंने आर्डिनेंस लैके आए इन्हों तुरंत वापस लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने सैकंड इशू साडा जोड़ा है वह साबका सैनिकों का है जिद पेंशन जी 50% कर सैलरी 50% कर सर्विस वधा जरा उन्होंने जोड़ा सानू संदेश दिता ज गल कर रहे हैं वो भी पूरी सेना के लिए जोड़ा घातक आते सेना जी देश की राखी करती है। जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने नारा लाया सी उस नारे जोड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैगलैक्ट करके और देश में जोड़ा है गुलामी के राह धक् रहे हैं। इस करके असं चेतावनी दें कि उन्होंने तिने कानून जोड़े गए वापस लैके सैनिकों प्रति जोड़ा है वो साडा जोड़े गए पिछले अनामली हैगी आर पी की उन्होंने दूर कर ना कि साढ़े तो होर कुहाड़ा चला। एक्टर योगराज सिंह के खिलाफ हिंदू औरतों उत्ते भद्दी टिप्पणियां करन दा मामला भड़कदा ही जा रहा है अते हिंदू संगठन जगह जगह योगराज उत्ते मामला दर्ज करवाउण नूं लगे हुए ने। जलंधर पुलिस नूं पहलां भी उस दे खिलाफ हिंदू संगठनां ने शिकायत दित्ती। अज हिंदू संगठन ने कंपनी बाग चौंक उत्ते योगराज सिंह दे पोस्टर जलाए अते नारेबाजी कीती। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਲਨ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। अगर कार्रवाई ना की गई तो सानू सारे संगठनों इकट्ठे होकर जो करना पाया असी करांगे। जय श्री राम। ये सन हुण तक दीआं खबरां, ताज़ तरीन खबरां लैके फिर हाजिर होवांगे। उद तक मैं दे इजाजत, सत श्री अकाल।